Welcome to Glam and Shine with Rashmi Bedi. My guest today is very beautiful and charming Indian actress Ritu Deepak. Hi. Hi. कौन है? बच्चन साहब, क्या मेरी गाड़ी जरा खराब हो गई? बहुत गर्मी, आपके पास पीने को कोई पेप्सी? आइए आइए, अरे भगवान, घर में पेप्सी है? जाने भागो मरे सर, रंग बसे। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज बात कीजिए ना। हेलो जी, जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। देखिए, एक फैमिली फोटो हो जाए हम लोगों के साथ। एक्चुअली मेरी गाड़ी यहाँ खराब हो गई थी, इसलिए मुझे एक पेप्सी चाहिए। हेलो पेप्सी, पेप्सी। निमी मैं भाई, ओए निमी, एक ग्लास नहीं, कट ग्लास। और रखने को तो गया, आखिरी पेप्सी है, पीना मत बेटा। मैं ठहर 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 ठहर, जब बच्चा है मैं बात करता। हाय हाय, ये बेटे, ये पेप्सी, ऑटोग्राफ चाहिए आपको? फोटो खिंचाएंगे आप? फोटो? ये दिल मांगे मुझको आप समझ। हाय रितु, हाउ आर यू? Hi Rashmi, I'm good. How are you? I'm good. I really request. I'm perfect. That's good. I was requesting a position, but you are good. Yeah, because we want our viewers to see our beautiful actress with us today. You're looking lovely. And me to dekh ke mujhe bahut acha laga. It's been my one of my favorite ads, and I really loved it. Thanks. Yeah, that's so nice. So how did you enter into the field of modeling and acting? So please share that with our viewers, please. Okay, so I actually, just growing up with a very artistic family, of course I'm not a star kid or anything, but जब मैं पौने तीन साल की थी तब से मैंने टीवी पे परफॉर्म करना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया। तो सारा बचपन, the entire childhood, teenagers, everything just one after another, everything, मतलब गाने से लेकर, एक्टिंग से लेकर, वॉइसिंग, डबिंग, जिंगल सिंगिंग, सब कुछ करते करते बड़े हो गए। Wow, so all in one, huh? Beauty with brain, perfect. No, no, but definitely love creative stuff. It's just wow, nice. My, yeah, second nature. So how was your acting like? बचपन से आपका शौक रहा है? You were inclined towards that? Yeah, just it happened कि आपने modeling start कर दी? या आप करते थे स्कूल कॉलेज में भी? यू यूज्ड टू टेक पार्ट इन एक्ट्स और हाँ, सो इट्स सो फनी, क्योंकि जब भी मैं सोचती ना अपना बचपन, तो मुझे अपने स्कूल से ज्यादा ये सारी चीजें याद आती, क्योंकि इट वाज लाइक पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, बिकॉज माय मदर वाज अ राइटर कंपोजर, माय फादर वाज अ म्यूजिकल राइटर। ओके, सो दीपक, उनकी बुक्स भी पब्लिश हो चुकी है इंडिया में, इट्स पार्ट ऑफ सिलेबस। माय फादर actually part of curriculum in Film Institute, Film and Television Institute of India, FTII में पापा काम जो है part of syllabus है। So I come from that background in terms of art and love for art and education. I come from academia and arts. So business family से नहीं आती हूँ, तो बचपन से पौने तीन साल की थी तब से, मतलब मामा मुझे कहती थी कि जब तुम 40 दिन की थी, शाम को पापा would sing like पहले के जमाने में, जैसे यू नो दे वुड सिट विद देयर हारमोनियम कंपोज थिंग्स, बिकॉज़ मामा वुड राइट एंड पापा वुड कंपोज। वाओ, सो दे हैड अ फुल टीम, आई नो, इट वाज प्रेशियस। सो बचपन से कहती थी कि जब पापा शाम को गाते थे, तो जब तक वो गाते रहते थे मैं एक बार चू नहीं करती, लाइक लिटरली मैं रोती नहीं थी जब तक म्यूजिक चलता था। वाओ, पापा का बैंड हुआ, रोना शुरू। म्यूजिक से इतना ज्यादा प्यार, तो इट हैज बीन ऑक्सीजन लिटरली। तो हर, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो एक्ट हो, चाहे वो यू नो कॉम्पोजिशन हो, चाहे वो लिखना हो, मैं लिखती भी हूँ वैसे। How nice. I just write and I keep it in my little treasure. Maybe someday soon I will release things. Looking for. But thanks. So हर तरह से कला से, क्रिएटिविटी से, वो एक रहा ये पे फर्स्ट लव के लिए। So before I come to the next thing, I would like to know the tip, like how you have such a glowing skin. That's the reason I think so. You got the advertisement for Rexona and Breeze. You have done. Of course, you are fit for that. You too. Thank you.
आई मीन इट्स जस्ट सी, देखो क्या होता है जब कोई मॉडल उनके एक पर्टिकुलर लुक को सूट हो जाती है तो फिर वो उसको बेस्ट दिखाते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज अबाउट यू नो मेकिंग यू आर नेचुरली ब्यूटीफुल, यू डोंट नीड टू. ओह यू सो सो काइंड, थैंक यू. बट आई रिमेम्बर जब इसका ऑडिशन हुआ था, डब्बू रत्नानी वाज द फोटोग्राफर एंड विंडास कंपनी का ये एड था. ओके. So they were looking for a back shot model, and they had a lot of girls. मैं सिर्फ audition के लिए गई थी. Okay. Okay. So they had audition के लिए. They had a number of models for the same pack, and I was like, okay, there's no way I'm getting this because there were beautiful girls around me. I was like, no, no, I get it. And, okay. So. गए वहां पर और आई रिमेम्बर मिकी कॉन्ट्रैक्टर वाज द मेकअप आर्टिस्ट. ओके. सो एंड अबू रत्नानी वाज द फोटोग्राफर. सो सबका हुआ, उन्होंने मतलब मॉक फोटो किया था. ओके ओके. कि पहले हम देखेंगे इसमें से कौन पसंद आएगा, शॉर्टलिस्ट होगा, फिर जो फाइनली एक लड़की को हम पसंद करेंगे फिर उसके साथ एक प्रॉपर फोटोशूट होगा. परफेक्ट. So, Lintas was a big ad company back then, you know, ad filmmakers, and Prahlad Kakkar and all these wonderful people were, you know, these seniors were there. So, kiya, and uske baad, main to, matlab, just mock photo shoot ho gaya, I did my part, and then I came back home, and then I forgot about it. And then I was shooting for other stuff. I was doing BG Kippin's G, I was doing some anchor shows and stuff like that, college ke saath saath. So, उसपे I got a call from Lintas कि so where should we send the contract to sign everything up? I was like contract for what? मुझे लगा ये तो हमने सिर्फ mock किया है, अभी तो confirm होगा, shortlist होंगे, elimination होगा, पता नहीं क्या क्या. So they said कि we want to make the payment because we have found we are done with the thing, there won't be any more shoot. I'm like oh. Okay, wait a minute. So then they sent the gentleman with the contract. So I was in car. I drove in car basically. Okay. And so he brought the contract at home and I signed it and they made the payment and it was all done, finished. Wow. And I was like, okay, theek hai. And then cut to, I remember I was shopping in one of the malls, I think. And I saw the pack with my picture on it. I was like, oh, okay. Wow. That must be a very happy moment for you, of course, yes. Yeah. Yeah, so like, wow. Yeah. How was your experience with Amitabh Ji? You have done advertisement with him. And how was your experience? Amazing. Amazing. So I had wonderful experience and I was in disbelief ki mujhe ye mauka mila. I think har artist ke liye, you know, it's a very, very honorable thing to work with such a fine senior actor and a thorough gentleman, a very, very professional artist and so down to earth and so kitna kuch seekhne milta hai, of course, you know? You always learn from your seniors, of course, as and he's amazing, of course. One of the best. Having lunch together, having, you know, Jayaji likes to eat green mirchi with her food. I remember those things. And I do the same, by the way. So, oh, wow. You know, those 2 days that I got to, you know, although unka apna hota tha, but still it was a lovely experience. Also, the director, so many. Rakesh, आपने कितने सारे टेलीविजन के किए हुए, लाइक सोनी पे नजदीकियां एंड खट्टा मीठा वाज अमेजिंग, आई स्टिल रिमेम्बर दैट वाज जस्ट बैंग ऑन, राइट, दी रोम कॉम, अली असगर एंड आई, ही इज डूइंग कॉमेडी नाइट्स एंड नाउ ही इज डूइंग हिज ओन स्टफ, बट या ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर एंड अ लवली ह्यूमन बीइंग. Sushil ji, Durga Khote ji, all these people, they played my parents, my in-laws actually. And it was such a sweet team working with Rajiv Mehra ji, Eagle Films. It was amazing. Rajiv ji, if you're listening to this, I miss you guys so, so, so much. And I can, you know, I'm seriously looking forward to doing more stuff. I spoke to Rajiv and I was like, let's do part 2, Khatta Meetha. He's like, yeah, aaja tu. How nice, how nice.
यू हैव डन विद दिलीप जी एंड सायरा बानू के साथ भी आपने उनका किया था एक शो, तो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दैट. हाँ, सो दिलीप कुमार साहब वाज प्रोड्यूसिंग अ शो कॉल्ड इस दुनिया के सितारे, व्हिच वाज ऑन स्टार प्लस, ऑन स्टार टीवी, स्टार प्लस आई एम नॉट श्योर, ऑन स्टार आइदर ऑर. सो उसमें अन्नू कपूर जी वाज एक्चुअली होस्टिंग एंड दे वर लुकिंग फॉर अ को होस्ट. ओके. हाँ, सो अनु जी हैव सीन माय वर्क समवेयर एंड ही रेकमेंडेड दिलीप जी अबाउट about me, and I had a meeting with Dilip Sahab and Sarah ma'am, and it was wonderful. People full of grace, like wo alag hi log the, I feel, you know. That is so true. Yeah. So you must be cherishing all the time. You have done such a good work, and I feel you have done such a good work, and you are a person like with whom anybody can gel very well, because you, I think so, you're very easy to work with. That's what I feel about you. Thank you. I believe in being that. I think, yaar, ye to basic insaniyat ka rule hai na. So you have to be someone easy to connect with, no? Hum koi, matlab, sar pe kuch special to nahi hai. No, you are a special beauty queen, of course, yes. Let's continue our journey before, let's have a clip of yours, okay? Thanks. बड़ा बेदर्दी. क्या हुआ मिली? देवदास जैसी सूरत क्यों बना रखी है? मैं बहुत परेशान हूँ. अरे वो तो हमेशा ही रहती है, लेकिन इस बार क्यों परेशान है तू? मुझे तो लगता है कि इस जन्म में मैं दिलीप जी का इंतजार करते करते कुंवारी मर जाऊंगी. अरे नहीं यार मिली, तेरा नसीब इतना खराब नहीं है, सब ठीक हो जाएगा. कब ठीक हो जाएगा? दिलीप जी मुझसे प्यार करना तो दूर, कभी उस नजर से भी नहीं देखते. उस नजर से मतलब किस नजर से? किस नजर से? अरे ठीक तरह से समझाना, डिटेल में समझाना. प्यार मेरी नजर से. साथ बोलना. How sweet. It was a funny show. YouTube पे मेरा चैनल है मुंबई टू NYC, और उस पे कुछ एपिसोड्स अपलोड किए थे. मुझे अभी तक लोग बोलते हैं यार और एपिसोड्स लोड करो, और एपिसोड्स अपलोड करो, अपलोड करो. जो कनेक्शन है हम सब इसमें बहुत स्पेशल है. ऑफ कोर्स. अब आपके एक्टिंग तो हमने देखी और आप गाना भी बहुत अच्छा गाती, तो मैं चाहती हूँ दो लाइनें आज हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि वो खुश हो जाएंगे इस स्ट्रेस के टाइम में. कोरोना इज हैपनिंग, वी नो अबाउट दैट, सो प्लीज पहले दो लाइनें एंड देन वी कैन जस्ट टॉक कि आपका टाइम कैसे जा रहा है घर पे. कोरोना. अंदर से ना बाहर कोई आ सके, बाहर से ना अंदर कोई जा सके. घर से अपनी फैमिली के पास टाइम स्पेंड कीजिए, दादी दादा वाला साइड लाइफ स्टाइल जिए, शायद वापस कभी ना मिले, तो एंजॉय. ऑफ कोर्स यस, दैट इज सो ट्रू. अभी आपका टाइम कैसे जा रहा है? व्हाट आर यू डूइंग, लाइक हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम? बिकॉज़ योर एक्सपीरियंस विल डेफिनेटली इंस्पायर आवर व्यूअर्स एंड योर फैंस कि आप क्या कर रही हैं, एंड प्लीज वी वुड लाइक टू नो सम टिप्स ऑन दैट प्लीज. सो मैं अभी फिलहाल तो आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ ब्रीदिंग, जो काफी टाइम से पेंट अप हो रहा था. आई एम राइटिंग अ फ्यू थिंग्स. आई एम गेटिंग मोर टाइम टू स्पेंड विद माय म्यूजिक, सो आई डू दैट विच आई लव. मैं चार्ज माई बैटरीज और खिड़की खोल के थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लेती हूँ बाहर से, हालांकि मैनहट्टन है, बाहर इतना क्वाइट है. हाँ, लेकिन सारे पेड़ खुश लग रहे हैं तो वो देख के खुशी हो रही है. फूलों पे धूल नहीं है, वो भी अच्छी बात है. और हवा साफ हो गई है, क्वाइट है, यस. लेकिन मेडिटेट, डू वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी. थोड़ा सा टाइम मिला है हमें अपने आप से गुफ्तगू करने का, तो आई थिंक वो अगर हम करें. और काफी सारे चीजें जो बिकॉज ऑफ मसरूफियत या बिजी होने की वजह से वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू, गॉड हैज गिवन अस दिस टाइम टू स्टॉप, टेक अ डीप ब्रेथ. सो ट्रू, बट दैट इज अ ग्रेट टिप आई विल से फॉर आवर व्यूअर्स एंड योर फैंस टू फॉलो दैट यू आर यूजिंग इट इन सच अ पॉजिटिव मैनर. दैट्स अमेजिंग एक्चुअली. सो आई थिंक, हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि
ऑफ लेट आपने देखा कितने दंगे फसाद रिलीजन को लेकर लोग आपस में लड़ रहे थे और ये और वो सारी चीजें एक तरफ रह गई, ठीक है, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद, मैं सरदारनी हूँ, आधी सरदारनी आधी पंजाबन, मतलब सरदारनी एंड यू नो कश्मीरी मिक्स, बट सारी चीजें असाइड हेल्थ केयर वर्कर्स यही लोग भगवान बन गए. बिल्कुल बिल्कुल, अ बिग सैल्यूट टू डॉक्टर्स एंड नर्सेस, मींस दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब, कोई नहीं कर सकता आज, इस डॉक्टर ही भगवान है, ऑफ कोर्स, यस. सो हैट्स ऑफ टू ऑल दीस पीपल हु आर यू नो अपनी अपनी लाइफ को फ्रंट लाइन पे लगाकर, कितने लोग कितने, इट्स हार्ट ब्रेकिंग, लेकिन दे आर नॉट, दैट्स नॉट डिफीटिंग देम, दैट्स नॉट स्टॉपिंग देम, दे आर स्टिल ब्रेव, दे आर गोइंग आउट हिम्मत करके और लोगों की जानें बचा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल, हैट्स ऑफ. And I think हर रिलीजन से बड़ा है इंसानियत का रिश्ता. बिल्कुल ठीक कहा आपने, कैसे ट्रीट करते हैं, हम सभी इंसान है ना, सो ट्रू, सबकी वही रिक्वायरमेंट्स, चाहे वो हम बोले, चाहे हम फ्रेंच बोले, चाहे हम इंग्लिश बोले, चाहे हम यू नो जर्मन बोले, वी ऑल हैव सेम रिक्वायरमेंट्स. टोटली, एंड पीपल साइट ऑफ दैट आई थिंक लोग भूल जाते हैं कि इंसानियत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है. सो ट्रू और लोग मर गए हैं, कई लोग यंग लोग भी यू नो, सो सबको दुआ करनी है, चाहे वो अपनी कम्युनिटी के हों या ना हो, ह्यूमन बीइंग्स, एवरीवन हुस यू नो, वेरी ट्रू. दैट्स अ वेरी लवली मैसेज फॉर एवरीवन एक्चुअली, एंड इट इज वेरी नाइस ऑन. That's a lovely thinking you have brought for others. It's really great. और ऐसा ही सबको होना चाहिए. So, I would like to know more about your upcoming projects also, Ritu. अभी आपके क्या projects आ रहे हैं? So, of late, other than writing my things and, you know, making my own, creating my own content, I have been, I did a few shorts recently. दो short films मैंने अभी इंडिया में की थी recently, for Lyft India company. उसका नाम, दो फिल्में हैं, एक का नाम है Do You Love Me? Okay. They're shorts. Okay. And hey Kesaro, they're both very different and very interesting. I'm excited. I think coming December May it's going to go in the film festival. Yahan pe maine ek film ki hai called Savan. Okay. So it's for you, and by you it's going to be that again is going to be around the same time, depending on how Corona, you know, might shift. Hopefully not, but I'm just saying. So by the end of this year or probably next year. So how do you keep balance between your family and work? Do you find it difficult? Not usually, because I am able to somehow manage with my time, because had I been in India, I would have been way more busy than I'm here. Mm-hmm. But some commercial work, I like Estee Lauder commercial that I did recently, Dana Farber cancer commercial I did recently. So things are intermittent, and which gives me time and flexibility to create my own content and also to be, you know, with my kid, where I'm able to spare some time to be with her, you know, to raise my child as well. But of course, kaam hai to jab hota hai, then I'm doing it. Lekin itna mushkil nahi lag raha mujhe. Now I can see you're good in time management. That shows on your face too. The relaxation is there, no stress. it's not. करते रहना है, you know, I'm not perfect. I'm in work. Nice. You always learn from each other, of course. सीखने की कोई उम्र नहीं है, yeah. तो बहुत लोग हैं जो इतना, it's inspiring to see so many people do it so well, and I always, it fascinates me. Of course, yes. All right, Ritu, thank you so much for being part of the show. But before we end the show, any message for our viewers, please? मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ऑफ कोर्स ये कोरोना आया है, ये चला भी जाएगा, यू नो दिस टू शैल पास, जस्ट स्टे पॉजिटिव, ट्राई टू एंजॉय द पीपल हु मैटर द मोस्ट, योर फैमिली, ट्राई टू गिव लव, ट्राई टू बी मोर कोहेरेंट. आई नो कभी कभी वी स्टेप ऑन ईच अदर्स टोस, बिकॉज इट्स वेरी, इट कैन बी हर्ट व्हेन यू आर इन सच क्लोज प्रॉक्सिमिटी 24/7, देयर कैन बी टाइम्स व्हेन यू आर अ लिटिल बिट ओवरवेल्म्ड, too much of a good thing bhi kuch hota hai. But this is the time to really look inside, yeah, and rethink what are the things that truly, truly matter. Ye shohrat, jawani, khoobsurti, paisa, dhan, daulat, naam, fame, ye sab cheezein temporary hain. Aur
जो लोग हैं आप उनको कितना कैसे ट्रीट करते हैं, आप उनको कितना प्यार देते हैं, आप एक दूसरे के साथ कैसे हैं, कितना समझते हैं, एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं. आई थिंक ये सबसे बड़ा मैसेज है इसमें. Yes. मेरे लिए भी, सबके लिए. तो अगर हम उतना माइंडफुलनेस हमारे अंदर जागृत हो जाए तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी. So true. बाकी हर किसी को बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो सभी की फुलफिल हो ही जाती है ना. So सब मेहनत कर है ना. आई थिंक दैट्स माय मैसेज, दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच ऋतु, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू. इट वॉज यू आर लवली पर्सन इन साइड आउट. ग्रेट टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. Thanks for being part of the show. Thank you. Thanks. Pleasure. Stay safe.